अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शामी कबाब। ये इसके इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहले हम चने की दाल जो मैंने एक घंटा भिगो के रखी थी वो कुक पैन में डाली। एक चिकन का पीस डाला मैंने और कुछ गर्दनें थी वो मैंने डाली। ज़ीरा डालेंगे एक हाफ चम्मच काली मिर्चें साबुत और दादर मिर्चें, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक, लहसुन अदरक पेस्ट। इसको मिक्स करेंगे और दाल के टेंडर होने तक इसको कुक करेंगे ढककर। एक घंटा भी इसको लग सकता है, एक घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। एक कप पानी डालेंगे और आग अपने जो है वो लो रखनी है, लो टू मीडियम। अब दाल को चेक करेंगे, दाल गल गई है कि नहीं। एक दाना उठा के इसको चेक करें, दाल अच्छी तरह गल चुकी है। अब जो फ्लेम है उसको बंद कर दें, चूल्हा बंद कर दें। चिकन निकालें, इसको अच्छी तरह से दाल उतार लें, ये तो जो हड्डियाँ थी वो हमारी गल चुकी है बीच में। अब चिकन के हम रेशे करते हैं। जब दाल ठंडी हो जाए फिर इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अगर आपके पास वो मशीन है कीमा निकालने वाली उसमें भी आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब इसमें हरी मिर्चें डालें, 3 हरी मिर्चें डालें, इसको अच्छी तरह ब्लेंड करें। इसको आप जिंजर अब डालेंगे, इसको आप ब्लेंड भी कर सकते हैं और इसको वैसे भी रख सकते हैं, मतलब मिक्स करें बस। मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था। अभी इसमें प्याज डालें, 1 चॉप किया हुआ, जो हमने चिकन के रेशे किए थे वो डालें। चिकन वैसे थोड़ा ही डाला मेरा। अब कुछ धनिया डाल दें, 1 अंडा डालें, 1/2 चम्मच नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला। गरम मसाला और धनिया पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप नमक मिर्च टेस्ट कर लें, अगर कम लगे तो आप ज़्यादा और डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसके शामी कबाब बनाएंगे। मेरे तकरीबन 1 कप के 15 से 16 शामी कबाब बने थे। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। 1 अंडा फेंटें अच्छी तरह से, पैन को गरम करें और उस पर ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद टिक्कियाँ फ्राई करें शामी कबाब। ये पकने तक हो चुकी हैं, इसकी फाइनल लुक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड क्लिक द बेल।